Hello everyone, I'm Dr. Shweta Amit Bhandari. I'm so very happy and congratulations to all of you that you have made this. You have done all the tasks throughout the 10 challenges and today is day 11. I'm happy and so much happy to be part of this session with you all. So thank you very much and we'll go for our challenge 11 today. So today is day 11. Congratulations, and you have changed. You'll say yes, yes, you have changed because aap hi sochiye, sara aapka surrounding same hai, sab kuch same hai, but ek happiness aap feel kar sakte ho after this 10 days, kyunki sab kuch same hote hue bhi kuch aapke andar se badla hai, right? You have changed. इसीलिए आपको वो एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस ऑफ ग्रैटिट्यूड आपको खुद को अपने आप में एक चेंज के फॉर्म में फील हो रहा होगा टुडे. सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि पूरे जर्नी में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को, लोगों को ग्रैटिट्यूड दिया है कॉन्स्टेंटली. तो आप लोगों ने खुद के एक वाइब्रेशन को चेंज किया है, खुद को एक अपग्रेड किया है. तो डेफिनेटली सम ऑर द अदर वे यू कंप्लीटली हैव चेंज्ड. And it's not the end because it's a beginning. क्योंकि ये end नहीं है, ये beginning है आपकी एक new journey का, journey of attitude to gratitude. यानी ये gratitude बस ये 10 दिन या ये task के during आपको नहीं करना है. जब आप ये task करते हो तो indirectly आप खुद को एक conditioning कर रहे हो, खुद को एक way में change करते जा रहे हो, खुद को एक मोटिवेशन दे रहे हो अंदर से. और जब ये आप बार बार कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ, जो आप फोटोज पोस्ट कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप खुद को एक आदत लगा रहे हो ग्रैटिट्यूड की. और ये आदत ही आपकी एटीट्यूड में जब आ जाएंगी, आपकी डे टू डे लाइफ में आ जाएगी, तो अपने आप से आपको आपकी पूरी लाइफ में ही चेंजेस फील होंगे. सो टुडे इज डे 11, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. देखिए, हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, ABCD 1 2 3 हम स्कूल में सीखते हैं, बट डेफिनेटली वी आर यूजिंग इट इन आर डे टू डे लाइफ. इसीलिए वो हमारा एक बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है हमारी आइडेंटिटी का, राइट? वैसे ही नॉलेज नॉट यूज इज गार्बेज. यानी अगर आपने जो कुछ भी लाइफ में सीखा है या ये सेशंस के ड्यूरिंग सीखा है, तो अगर आप उसको यूज नहीं करते हो तो इनडायरेक्टली वो सारा नॉलेज आपके घर में गार्बेज की तरह रहेगा, आपके दिमाग में गार्बेज की तरह रहेगा. और किसी को भी गार्बेज अच्छा नहीं लगता है. तो स्टार्ट यूजिंग इट, रिमूव योर हैंड्स फ्रॉम योर पॉकेट, बी एक्टिव एंड डू ऑल द चैलेंजेस. एंड आपने अगर चैलेंजेस किए हैं तो जो मैं आगे वीकली चैलेंजेस आपको दूंगी, तो वो भी आप करते रहिए. एक टाइप के खुद के एटीट्यूड में ही ग्रैटिट्यूड लाइए. जो हम लोगों ने फर्स्ट डे पे स्टार्ट किया था, व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड यानी फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस. आपके अंदर से आपको फील होना चाहिए कि मेरे पास भरपूर है, बहुत कुछ है, और आप उसके लिए एक अलग वे में आभार व्यक्त करते हो. और जब आप आभार व्यक्त करते हो तो आपको एक फीलिंग अंदर से आएगा एक फुलनेस का, एक भरपूर होने का. तो इनडायरेक्टली यू फील हैप्पी, यू फील लाइक शेयरिंग विद अदर्स, राइट? तो इसीलिए ये जर्नी ऑफ ग्रैटिट्यूड है. इसीलिए ये आपको दिन ब दिन एक एक टास्क दे के, एक एक कंडीशनिंग करके ये फीलिंग आप में आया है. सो कंग्रेचुलेशन. जैसे फर्स्ट डे पे हम लोगों ने ये कोट पढ़ा था गांधी जी का, आई क्राइड बिकॉज आई हैड नो शूज, देन आई मीट अ मैन हु हैड नो फीट. यानी पहले मैं शूज के लिए रो रहा था, बट बाद में मुझे एक आदमी मिला जिसके पास पैर ही नहीं थे. सिमिलरली ड्यूरिंग दिस जर्नी, हर एक टास्क के वक्त मैंने आपको एक कंडीशनिंग, एक स्टेट के थ्रू लेके गई, जिसमें आपको दिखाया कि कैसे ऐसे लोग रह रहे हैं जिनको पानी ऐसा पीना पड़ रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, एंड एयर नहीं है, या ट्रीज नहीं होगे तो कैसा लगेगा, सन नहीं होगे तो कैसा रहेगा. तो ये जो लैकिंग का फीलिंग जो मैं आपको दे रही थी ना, दैट वाज टू जस्ट टू क्रिएट अ स्टेट, स्टेट की जिससे आपको पता चले कि जो आपके पास है वो बहुत है, वो बहुत है कि आप उसकी के साथ खुश रह सकते हो. फर्स्ट डे पे जैसे हम लोगों ने देखा ग्रैटिट्यूड टू लाइफ, आप आज ये पैंडेमिक के ड्यूरिंग भी आप अगर जिंदा हो तो इससे ज्यादा ग्रैटिट्यूड आपको किस चीज के लिए होना चाहिए, बिकॉज यू हैव अ लाइफ टू लिव. आपके हर दिन में आपको 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं. अगर आप इनको ही अच्छे से यूज कर पाओ तो दैट विल बी अ बेस्ट रिवॉर्ड टू लाइफ यू कैन गिव, राइट? हम लोगों ने अलग अलग पैरामीटर्स देखे थे. क्यों? क्योंकि अगर आपकी लाइफ इम्बैलेंस है, अगर आप सिर्फ लाइफ के एक ही सेक्शन को फोकस कर रहे हो इन सातों में से, तो इनडायरेक्टली आप इम्बैलेंस में जाते हो और कहीं ना कहीं पे वो आपको एक प्रॉब्लम के सॉर्ट में फेस करना पड़ेगा. उससे अच्छा लेट्स बैलेंस आर लाइफ, राइट? तो हम लोगों ने ये सारे
सेक्शंस को समझा था, उसके बाद हम लोगों ने ये व्हील ऑफ लाइफ में खुद को ग्रेड किया था कि आज हम खुद को कहाँ देखते हैं हर एक सेक्शन में, जैसे फिजिकल बॉडी हो गया या टाइम या फाइनेंसेस, आज हम खुद को 10 में से खुद को कहाँ देखते हैं। हम लोगों ने कुछ क्राइटेरिया लिखे थे, राइट? तो अगर आज वो क्राइटेरिया आप पढ़ोगे और आपको खुद के लाइफ में एक शिफ्ट फील होता है, भले वो रिलेशनशिप में हो, भले ही वो फाइनेंसेस या वर्क में हो या सेलिब्रेशन में हो, तो अगर आपको वो एक सिंगल शिफ्ट भी कहीं पे फील होता है ना ये बस 10 दिन में, तो आप सोचिए कि अगर आप 10 दिन में एक पॉइंट का भी शिफ्ट लाए हो, तो नेक्स्ट लाइफ में आप अगर ये एटीट्यूड में ही ग्रेटिट्यूड लाते हो, तो वो शिफ्ट कितना मेजर और कितना अच्छा होगा। सो दिस वॉज आर फर्स्ट टास्क ऑफ मेकिंग व्हील ऑफ लाइफ। फिर उसके साथ साथ आपने खुद के बिलीव्स को पहचाना था, क्यों आप ऐसी लाइफ जी रहे हो, आपकी ओल्ड स्टोरी को पहचाना था, एक न्यू स्टोरी को लिखा था। You can change anything in your life if you can change your story, right? तो आपने अपनी स्टोरी को चेंज करके एक रेड ड्रेस में कमिटमेंट के साथ एक फोटो डाल के वो आपके न्यू स्टोरी, न्यू अफर्मेशन को डाला था, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपका एक टास्क होने के बाद जब हम लोगों ने नेक्स्ट टास्क पे गए थे, राइट, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स नेचर, सन, एयर, ट्रीज, इमेजिन अ लाइफ विदाउट सन, राइट? तो जब आपने सन की एक प्रेजेंस को समझा, एक कॉन्शियस हो गए उसके प्रेजेंस के बारे में और उसको ग्रैटिट्यूड दिया, उसके अलावा एयर जो हमारे सराउंडिंग में, जो ट्रीज हमको कॉन्स्टेंटली सर्व कर रहे डे इन एंड डे आउट, जिसका हमको एक रियलाइजेशन ड्यूरिंग सेशन हुआ, ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक हुआ, तो उसके लिए जब आप लोगों ने ग्रैटिट्यूड दिया नेचर अराउंड को, यू सेलिब्रेटेड, राइट, एंड बीइंग ग्रेटफुल फॉर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर अराउंड यू। आपने इंडियन फेस्टिवल के इंपॉर्टेंस को समझा कि हाउ ब्यूटिफुली दे आर सिंक्रोनाइज्ड विद द सराउंडिंग, है ना, वो आपको हेल्प कर रहे एडजस्ट करने को सराउंडिंग के साथ। इतने ब्यूटीफुल हमारे फेस्टिवल्स है, सन गेजिंग करके आपको सन की एक एनर्जी का फील आया कि हाउ ब्यूटीफुली यू कैन एनर्जाइज विद द रिसोर्स यू आर हैविंग डे इन एंड डे आउट, राइट। फिर विंड वॉश करके जो आपको फ्रेशनेस फील हुई, ये सन गेजिंग विंड वॉश आप लाइफ में कभी भी कर सकते हो, जब आपको थोड़ा सा डिप्रेस लगे, तभी जब भी आपको लो लगे, देन यू कैन यूज दिस टेक्निक्स, है ना, ये आपके लिए कॉन्स्टेंटली अवेलेबल है। जस्ट गो आउट, स्ट्रेच योर हैंड्स एंड स्टैंड, आपको एक इफेक्ट आपके खुद के ऑरा में शिफ्ट आपको तुरंत फील होगा विद दिस टू टेक्निक, सन गेजिंग एंड विंड वॉश। फिर आप लोगों ने ट्री हगिंग के कुछ फोटोग्राफ्स डाले जो कि बहुत ब्यूटीफुल थे। आपको खुद को एक शिफ्ट फील होगा जब आप ट्री को हग करते हो, तो आपकी ऑरा में चेंजेस आपको फील हुए, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। फिर हम लोग थर्ड डे पे गए, दैट वाज ग्रैटिट्यूड टू एलिमेंट्स दैट गिव्स यू लाइफ, यानी फूड एंड वाटर, राइट, जो आपको लाइफ देते हैं। अब अगर देखोगे, जैसे मैंने आपको बोला, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पानी नहीं मिलता, यू आर द 1% या 2% ऑफ पीपल जिनको क्लीन वाटर मिल रहा है पीने के लिए, यूज करने के लिए। सो फील लकी, फील ग्रेटफुल फॉर द वाटर यू आर यूजिंग। और जब आप ग्रेटफुल फील करते हो तब क्या होता है, राइट, तब इंस्टेंटली आपके वाटर के एलिमेंट्स में एक शिफ्ट आता है, और इनडायरेक्टली वो पानी आपके लिए हीलिंग बन जाता है, वो आपके लिए मेडिसिन के फॉर्म में वर्क करता है। और अगर पानी एक मीडियम है ना चीजों को कैरी करने का, तो आई होप कि आगे भी आप इसको यूज करो, एक मून वाटर, सन वाटर, कलर वाटर और अफर्मेशंस बोल के उसको एक मैजिक वाटर बना के, राइट। सो आई एम हैप्पी दैट यू आर यूजिंग इट, आई एम हैप्पी कि आपने आपके मटके के ऊपर वो टैग लगाया थैंक यू का, सो थैंक यू सो मच। उसके अलावा हमने ग्रैटिट्यूड दिया था फूड को। अगर आप फूड को ग्रैटिट्यूड देते हो, तो इनडायरेक्टली आप फूड की एक, जैसे फूड भी 70% वाटर का है, तो उसके भी स्टेट को चेंज करते हो, प्लस आप ग्रैटिट्यूड देते हो एक एनर्जी लेवल पे भी, ऑल आर एनर्जी, राइट। तो फिर अगर आप एनर्जी लेवल पे ग्रैटिट्यूड देते हो, तो इनडायरेक्टली वो ग्रैटिट्यूड का कुछ फ्रैक्शन उन सब लोगों में जाता है जिन्होंने वो खाना आप तक पहुंचाया है, और उसी सेंस के साथ अगर आप ग्रैटिट्यूड देते हो खाने को, तो इनडायरेक्टली वो सब लोगों के लाइफ में भी डेफिनेटली शिफ्ट आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस टास्क। उसके बाद हम लोगों ने किया था ग्रैटिट्यूड टू हेल्थ। आपने हेल्थ की एक डेफिनेशन बियॉन्ड योर फिजिकल बॉडी समझी थी, जिसमें आप सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं हो, आप माइंड हो, आप एनर्जी हो, राइट। जब आपको ये फीलिंग आया था, जैसे मैंने आपको बोला, आपकी बॉडी के अंदर 11 सिस्टम आपके काम कर रहे हैं बिना कोई शोर किए, राइट।
So it deserves your thank you, it deserves your gratitude. So आप जब उसको उसके लिए gratitude feel करके आपने meditation किया, आपने energy को sense किया, आपने energy की field को समझा कि energy आपकी body में किस तरीके से work करती है, किस तरीके की अगर imbalance आएगी आपके emotions में तो indirectly उसका effect आपके body पे होता है, तो indirectly now you know how to heal yourself, right? So that was gratitude to yourself. आपने जो meditation करके feel किया, right? And आपने एक statement जो stick किया है, right? In on your mirror, I am grateful to my healthy body, mind and soul. And today I celebrate it by gifting. जो भी आप gift करने वाले हो next 21 days के लिए, do that complete chart और उसको भी आप post कीजिए group में on the community page, right? After 21 days. फिर हम लोग गए थे gratitude to work, जिसमें आपने आपके वर्क प्लेस को gratitude दिया था, अपने खुद का एक ikigai बनाया था कि जो चीजें आप आपने आपका इकिगाई ढूंढा, राइट? ग्रेटिट्यूड टू वर्क में, उसके बाद आपने लव लेटर लिखा अपने वर्क के लिए विथ योर पोएम्स एंड विथ योर ब्यूटीफुल वर्ड्स, एंड आपने मैजिक टच किया अपनी चीजों को आपके वर्क प्लेस पे, राइट? एंड यू इमीडिएटली शिफ्टेड एवरीथिंग द एनर्जी एट योर वर्क, एंड आई नो नाउ यू आर गोइंग टू डू इट रेगुलरली. एंड आपने ग्रेटिट्यूड दिया अपने एम्प्लॉय को, उनके साथ आपके फोटोग्राफ्स को पोस्ट किया, आई एम सो थैंकफुल कि आप सब लोगों ने ये सारे टास्क किए, एंड आई डेफिनेटली फील कि आप लोगों ने एक शिफ्ट महसूस किया होगा आपके वर्क की प्लेस पे. उसके बाद हमने किया ग्रेटिट्यूड टू मनी, जिसमें आपने मनी को बियॉन्ड पेपर समझा, आपने एक एनर्जी को समझा, आपने खुद के मनी स्टोरी को समझा कि आप मनी के बारे में क्या सोचते हो, क्यों सोचते हो, और आपने अपनी स्टोरी को चेंज किया. The money mindset you carry is definitely responsible to attract money in your life, right? फिर उसके बाद उसको constant life में कैसे use करें, इसीलिए हमने ये technique सीखी arigato your money, यानी आप एक affirmation जोड़िए money के साथ, जब भी आप उसको spend करते हो या किसी से लेते हो, be thankful, be grateful for the way the money is serving you, right? तो वो affirmation को आपने locker पे stick किया, आपने wallet में stick किया है, जब भी next time आप वो देखोगे आपको ये sessions याद आएंगे और definitely आप कोई ना कोई way में आप कि मनी को ग्रो कर पाऊंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट. ऑन डे 7 हमने दिया ग्रेटिट्यूड टू रिलेशनशिप, राइट? आपको समझ आया होगा कि आपका नेचर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है वो लोगों को जिनको आप चूज करते हो, जिनसे आप मोटिवेटेड हो, जिनसे आप कोई ना कोई वे में कनेक्टेड हो. सो चूज वाइजली योर रिलेशनशिप. आपने ग्रेटिट्यूड दिया उन फिशेस को जो आपकी बोट को खींच रहे हैं, आपकी लाइफ की बोट को आगे लेके जा रहे हैं, और उनको आपने ग्रैटिट्यूड देके डेफिनेटली डॉल्फिन्स में शिफ्ट किया है. उसके अलावा आपने कॉल करके सॉरी बोला है, या आपने रिलेशनशिप को रिजॉल्व किया है, वो पुनो पुनो टेक्निक करके हील किया है उन एंकर्स को जो आपकी लाइफ की बोट को स्लो डाउन करता है, आपके लिए ऑब्स्टेकल बनता है अपनी गोल्स की तरफ जाने के लिए. जब आपने ये किया तो जो एनर्जी शिफ्ट आपने पाया है और जो आपने ग्रुप्स में शेयर किया है, तो वो शिफ्ट आप अपने थ्रू आउट लाइफ कर सकते हो, क्योंकि वी बीइंग अ सोशल एनिमल कॉन्स्टेंटली हमारा किसी के साथ एक तो पॉजिटिव या निगेटिव कनेक्शन होता रहेगा. सो डू डेफिनेटली कीप ऑन डूइंग दिस इन योर दिस जर्नी ऑफ योर बोट. आपने होपोनोपोनो टेक्निक सीखी, जिसमें आपको समझ में आया कि आपको हीलिंग करना है, ना कि इन रिलेशंस को, ना कि इन लोगों को, बट आप फीलिंग दे रहे हो खुद को और खुद के उनके साथ जो जुड़े इमोशंस है उन सबको. सो यू आर गिविंग हीलिंग टू योरसेल्फ बाय आस्किंग द डिवाइन टू हील यू,
by telling it sorry, please forgive me, thank you and I love you. आपने फिर आपके खुद के डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनाई, क्योंकि हम उसके साथ पैदा नहीं होते, बट डेफिनेटली दिस डूज एंड डोंट्स विल हेल्प यू टू मेक योर लाइफ बेटर. इसमें से कुछ रूल्स मैंने आपसे शेयर किए, डेफिनेटली आपने सुनते वक्त भी खुद के कुछ रूल्स बनाए होंगे या इनमें से कुछ आपको पसंद आए होंगे, तो आप इनको लिख के अपने फ्रिज पे स्टिक कीजिए ताकि आप इनको फॉलो कर पाओ डे टू डे लाइफ में. आप ये उनको आपको एक रिमाइंडर के फॉर्म में रहेगा और आपकी जो इमोशनल जूस है ये रिलेशनशिप से जो आपको मिलता है वो कॉन्स्टेंटली फुल रहेगा. तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस ब्यूटिफुल टास्क, फॉर कॉलिंग एवरीबडी सेइंग सॉरी, थैंक यू, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम हैप्पी बाय लिसनिंग ऑल योर फीडबैक्स आफ्टर डूइंग दैट. फिर हम लोगों ने ग्रैटिट्यूड डे 8 में किया था, ग्रैटिट्यूड टू कंफर्ट एंड सिक्योरिटी, यानी आपके घर के लिए और आपके कपड़ों के लिए, राइट, जिसमें कि आपने आपके घर में एक टूर लिया था जिसमें आपने अलग अलग चीजों को थैंक यू बोला था, जिसको भी आप टच करते हो, आपने फेवरेट प्लेस पे बैठ के फोटो निकाला था, आपने फील किया था कि आपका घर इज बियॉन्ड दिस वर्ड्स, बियॉन्ड थिंग्स, वो एक एनर्जी है जो कॉन्स्टेंटली आपको सराउंड कर रही है, आपको हेल्प कर रही है आपकी लाइफ में, आपको एक कम्फर्ट दे रही है, आपको एक सपोर्ट दे रही है, आपको जीने दे रही है जिस वे से आपको जीना है. सो बियॉन्ड दैट इज योर हाउस. ऑल्सो आपके क्लोथ्स, आपने वार्डरोब की तरफ खड़े रह के जो क्लोथ्स को ग्रैटिट्यूड दिया है, जो एक हार्ट स्टिक किया है विद द अफर्मेशन, दैट विल डेफिनेटली bring a shift in your identity. वो reflect होगा आपके confidence से, आपके काम करने के तरीके से, आपके बोलने के तरीके से, तो that will have a major shift in your image, right? तो thank you so much for doing that task. और definitely जब आपने ये task किया है तभी आपको realize हुआ होगा कि you are richer, 75% richer than 3 billion people around you, because you have good health, food and clothes and a house you live in. फिर 9 डे पे हमने ग्रैटिट्यूड दिया हमारे सुपर हीरोज को, राइट, पीपल हु हेल्प अस, पीपल हु मेक आर लाइफ इजी, जैसे हमारे दूध वाला है, हमारी मेड है, पुलिसमैन है, सोल्जर्स है, डॉक्टर्स है, टीचर्स है, राइट, दे आर आर सुपर, रियल सुपर हीरोज विदाउट दैट केप, बट स्टिल दे आर रनिंग डेडिकेटेडली एंड डेली टू हेल्प यू आउट, टू मेक योर लाइफ इजी. सो आप लोगों ने उन सब लोगों को थैंक यू दिया, उनके साथ फोटोग्राफ निकाला एंड हैप्पी, वो आपने जो ग्रैटिट्यूड स्टोन रखा है आपके दरवाजे के पास या दरवाजे के पीछे जो भी आपने स्टार स्टिक किया है, जस्ट एज अ रिमाइंडर कि जो आप दरवाजा खोलो उस सामने जो भी मेंबर खड़ा है, जो आपका ये कम्युनिटी हेल्पर खड़ा है, तो उसको थैंक यू बोले, जेन्यूनली उसको थैंक यू बोले फॉर द सर्विस ही इज प्रोवाइडिंग यू. सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट टास्क एंड चैलेंज 9. फिर उसके बाद लास्ट कल हम लोगों ने किया चैलेंज 10, दैट वॉज ग्रैटिट्यूड टू सेल्फ, क्योंकि इन सब चीजें करते करते धीरे धीरे किसी में जो शिफ्ट आया है वो है आप खुद. सारा सराउंडिंग सेम था बट चेंज कौन हुआ है, सिर्फ आप. सो इट डिजर्व्स अ थैंक. सो ग्रैटिट्यूड टू सेल्फ में हमने किया हीलिंग खुद के लिए, राइट, खुद कितने इंपॉर्टेंट है वो जाना. उसके बाद आपने मिरर वर्क किया, मिरर वर्क में आपने खुद के लिए अलग अलग अफर्मेशन बोले, आपने मेडिटेशन किया, आपने सीखा कि रादर देन ना खुद के लिए कुछ निगेटिव वर्ड्स बोलने से अच्छा, जिस पर्सन को आपने सबसे ज्यादा ग्रांटेड लिया है, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज और गिल्ट मोड में डाला है, उसी को रिवाइव करना जरूरी है विथ एक्सेप्टेंस, विथ नो कंडीशन अप्लाई, राइट. सो आई होप कि आपने खुद को एक्सेप्ट किया है, खुद को ट्रांसफॉर्म किया है. एक्सेप्ट योर सेल्फ विथ ग्रेस, एक्सेप्ट विथ ग्रैटिट्यूड, राइट. से थैंक यू टू योर सेल्फ एवरी डे, यू सी योर सेल्फ इन द मिरर. आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने वो अफर्मेशन स्टिक किया है आपके बेड के साइड में, जो आपको एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर देगा टू फील ग्रैटिट्यूड टू योर सेल्फ, और उसके साथ आपको मिलती है एक सुपर पावर ऑफ सेल्फ लव, राइट, जिससे कि कंप्लीटली आप अपने लाइफ में एक शिफ्ट पा सकते हो. सो कंग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग ऑल दिस 10 डेज, कंग्रेचुलेशंस कि आपने खुद में शिफ्ट लाया है, कंग्रेचुलेशंस दैट यू मेड दिस ऑल, थैंक यू सो मच कि आपने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच कि आपके जो ये सारे पोस्ट है वो एक दूसरे को एज इंस्पिरेशन रहे, थैंक यू सो मच कि जो भी लोग पोस्ट कर रहे हैं आप उनको मोटिवेट कर रहे हो. सो थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस शिफ्ट. आप अगर अभी ग्रेड करोगे ना आपके वो पिरामिड को जो हमने व्हील ऑफ लाइफ बनाए, उसको जो पुराने आपने क्वेश्चंस लिखे थे ना कि किसकी वजह से आप ग्रेड कर रहे हो, अगर आप
अभी भी उन सबको रीड करते हो तो डेफिनेटली आपको एक शिफ्ट मिला होगा, भले एक सेक्शन में मिला हो, बट डेफिनेटली ये 10 दिनों में आपको कहीं ना कहीं पे एक शिफ्ट आया होगा. यू मस्ट हैव चेंज्ड इंटरनली, राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. और आज का टास्क आपका ये है कि ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ योर्स ऑफ 11 डेज ग्रैटिट्यूड चैलेंज, आपको कुछ चीजें पसंद आई होगी, आपने कुछ चीजें नई सीखी है. आपका इसमें से बेस्ट टेक अवे क्या है, आप जो रोज करने वाले हो, आपको खुद के एटीट्यूड में क्या शिफ्ट समझ में आया है, उसके अलावा आप ये जो ना खुद क्या कमिटमेंट कर रहे हो ये ग्रैटिट्यूड एक्टिविटीज की तरफ, ताकि ये ग्रैटिट्यूड आपकी पार्ट ऑफ आइडेंटिटी हो जाए, पार्ट ऑफ एटीट्यूड हो जाए, राइट? What makes you feel कि people, सारे लोगों ने ये चैलेंज करना ही चाहिए, क्यों आपको ऐसा लगता है? ये सबको मिला के आपको खुद का एक वीडियो बनाना है जिसको आपको कम्युनिटी पेज पे पोस्ट करना है, या तो मुझे पोस्ट कीजिए. जस्ट बिकॉज आप देखिए, जैसे हम लोग फूड को ग्रैटिट्यूड देते हैं तो उसका एक शेयर ऑफ एनर्जी फार्मर तक पहुंचता है. तो आप सोचिए, जब आप ये वीडियो पोस्ट कर रहे हो तो इनडायरेक्टली यू आर गोइंग टू मोटिवेट सम ऑफ द अदर पर्सन, और इनडायरेक्टली उसका ग्रेस आपके लिए एड ऑन हो जाएगा. उसके अलावा आपके लिए एक ना हम लोग बोलते एक रिवॉर्ड होगा कि आप ये चैलेंज पूरा कर पाए. सो दैट वीडियो विल बी ना एक टाइप का आपके लिए रिवॉर्ड, एक टाइप का जो हमको सर्टिफिकेट मिलता है ना आफ्टर द कोर्स. तो दिस वीडियो विल बी लाइक अ सर्टिफिकेट फॉर यू कि आपने क्या सीखा है, क्या आपका टेक अवे है, क्या आप कमिटेड हो कि आगे आपको क्या क्या करना है, आपने क्या प्लान किया है, आपने क्या शिफ्ट पाया है. सो डू मेक दैट वीडियो एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप टू मी और ऑन द पेज. उसके बाद बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप, क्योंकि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी. मैं आपको कॉन्स्टेंटली ये 11 डेज के बाद भी मैं आपको वीकली चैलेंजेस दूंगी जो कि बहुत सिंपल होंगे, जो कि बेस्ड होंगे ये सब कुछ जो आपने सीखा है उस पे, ताकि मैं मेक श्योर कर सकूँ कि आपने वो एटीट्यूड आया है ग्रैटिट्यूड का, राइट? तो स्टे इन द ग्रुप, स्टे देयर, क्योंकि मैसेजेस मैं आपको उसी वाया पहुंचा सकती हूँ. सो और वो वीडियो जो आपको बनाना है वो आपको आज ही बनाना है. बहुत बार ऐसा भी होगा, शायद आप लोग में से कई लोगों ने एक ही एक्टिविटी की है, पूरी एक्टिविटी नहीं कर पाए, भले आप लोगों ने एक ही सेशन अटेंड किया हो, पूरे सेशंस नहीं अटेंड कर पाए. या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ सेशन अटेंड किया, एक्टिविटीज नहीं किए हैं, या कुछ लोग अभी ये सिर्फ लास्ट सेशन अटेंड कर रहे हैं. तो आप जो भी हो इनमें से, स्टिल आप एक वीडियो जरूर बनाइए, जस्ट बिकॉज आपने कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो किसी भी वीडियो में, और वो वीडियो आज ही बनाइए. वेट मत कीजिए कि मैं पूरी एक्टिविटीज करने के बाद मेरा फीडबैक दूंगा, जस्ट बिकॉज तभी तो आप डेफिनेटली दीजिए, बट आज इसीलिए दीजिए कि मुझे समझेगा कि आपने क्या सीखा है. आप खुद को एक रिवॉर्ड दोगे और आपका एक सिंपल टीचिंग भी शायद किसी और को हेल्प करेगा. मैंने जैसे बोला वी ऑल आर कनेक्टेड एनर्जेटिकली, तो आप सोचिए कि यू आर मोर इम्पॉर्टेंट देन यू रियलाइज. आपकी एक एक्शन दूसरे के लिए शायद बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, आपका एक वीडियो शायद किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है उसकी लाइफ को शिफ्ट करने के लिए. सो डेफिनेटली मेक योर वीडियो एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप. सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. आई एम हैप्पी कि आप सब लोगों ने इस सारी चीजों को पार्टिसिपेट किया, आपका 100% दिया, एंड डेफिनेटली वो 100% रिजल्ट आपको भी आपकी लाइफ में शिफ्ट लाएगा. सो आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल कि आप ये ग्रैटिट्यूड जर्नी में मेरे साथ रहे और मेरे को चांस दिया कि मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकूँ. आई एम हैप्पी कि मैं आपके साथ बहुत कुछ सीखी हूँ, मैं आपके साथ ही ग्रो हो रही हूँ. तो थैंक यू सो मच. नाउ ये शेयरिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है पता है क्या? जैसे एक कप है, समझो वो फुल है नॉलेज के साथ, तो अगर आप किसी को शेयर करते हो ना तो इनडायरेक्टली यू एम्प्टी योरसेल्फ. तो मैंने आज अपने आप को एम्प्टी कर लिया है एंड आई एम रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स. तो डेफिनेटली अगर आपने भी कुछ लाइफ में सीखा हो, इस 11 डेज से कुछ सीखा हो, तो डू शेयर विद पीपल, है ना? तो इनडायरेक्टली यू विल एम्प्टी योरसेल्फ एंड यू विल बी रेडी टू लर्न नेक्स्ट. सो बी रेडी, learn new things and celebrate your life and celebrate. आज मैं आपको एक gift दे रही हूँ of celebration of a meditation जो मैं पेज पे, YouTube पेज पे पोस्ट करूंगी. तो definitely do that meditation और उसकी experience को comments में post जरूर कीजिए. Do subscribe that channel और do like the video so that you'll get the notification on time. So thank you so much. That's all from my side. That was our 11 days gratitude challenge. I'm happy that you were there with me in this journey of ours, of journey of 11 days gratitude challenge.
So thank you so much. I'm so very happy to share all these things with you and grow with you. Thank you so much.